The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, aadab, sat sri akal, kaise hain aap? Dosto, main hoon Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, agar aap fitness, bodybuilding mein interested hain, तो आपको मैस्टरबेशन बंद करना पड़ेगा. मेंटल मैस्टरबेशन. जी हाँ, ये वो मैस्टरबेशन नहीं है जो आप सोच रहे हो. बिकॉज आज अप्रैल है, 1 अप्रैल, तो थोड़ा सा फूल हो गए अगर आप वो मैस्टरबेशन समझ के आए हो. क्योंकि वो मैस्टरबेशन का आपकी बॉडी बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है. वो अच्छा है, वो ठीक है, वो चल जाएगा आपकी बॉडी के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट में, राइट. उसके बारे में वीडियो अलग है मेन चैनल में. आज हम बात कर रहे हैं मेंटल मैस्टरबेशन की, जो आपके लिए घातक है आपकी बॉडी बिल्डिंग करियर के लिए, आपके फिटनेस गोल्स के लिए. सो क्या होता है मेंटल मैस्टरबेशन, क्या होता है इंटेलेक्चुअल मैस्टरबेशन. मैस्टरबेशन, इंटेलेक्चुअल मैस्टरबेशन, मेंटल मैस्टरबेशन का मतलब है कि आप वो पर्टिकुलर नॉलेज गेन करे जा रहे हैं, नंबर वन, जिसका कोई आपको लॉजिकली काम नहीं, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं है. और वो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो जो कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है ना ही, और यूजलेसली वो आपके दिमाग में बैठा रही है चीज़ें, राइट. सो एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज गेनिंग जिसका लिटल या नो पर्पस, कोई बहुत कम पर्पस है या नहीं है कोई पर्पस, वो काम आप जो कर रहे हो उसका एग्जाम्पल बताता हूँ. नंबर वन चीज़ जो आज की डेट में आप कर रहे हो, यूट्यूब पे बॉडी बिल्डर्स को, ऐसे बॉडी बिल्डर्स के वीडियोस देखना, नंबर वन वीडियो, अगर आप मान लीजिए बॉडी बनाना चाहते हैं और आप देखे जा रहे हो, क्या देखे जा रहे हो, आप देखे जा रहे हो मोटिवेशनल वीडियोस. सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखने भर से आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी. सो मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहो, देखते रहो, तब क्या होता है, आपको लगता है कि इतना मैं उठाऊंगा, उतना मैं उठाऊंगा, और आप क्या करने लग जाते हो, हैवी वेट उठाने लग जाते हो. देखते हो इतनी बड़ी बड़ी मसल, उतनी बड़ी मसल बनाने के लिए शॉर्टकट्स लेने लग जाते हो, शॉर्टकट्स के बारे में सोचने लग जाते हो, तब दिक्कत होती है. इसीलिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस, एक, उससे आप कुछ सीख नहीं रहे, दो, वो आपका टाइम वेस्ट है, और थर्ड, आप उससे रिस्की स्टेप्स उठा सकते हो. दैट इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स, वन. सेकेंड प्रॉब्लम, व्लॉग्स. बॉडी बिल्डर्स को फॉलो करते हो, उनके व्लॉग्स देखते हो, ये सोचते हो पूरा दिन उन्होंने क्या क्या किया, कैसे खाया, कैसे पिया, कैसे किसमें शेक बनाया, एक्सरसाइज के पहले क्या किया, एक्सरसाइज के बाद कौन से कपड़े पहने, क्या किया, ये सब नॉलेज आप गेन करते हो, पूरा पूरा दिन उनको फॉलो करते हो ये सोच के कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा. लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ मिल रहा है क्या, उससे आपकी बॉडी उनके जैसी बन जाएगी, नहीं. वहाँ उस चीज़ को हम कहते हैं मेंटल मैस्टरबेशन, क्योंकि आप ये सोच के वो फॉलो कर रहे हो कि हाँ आपको वो चीज़ मिल जाएगी, वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर वो नॉलेज लिटिल और नो पर्पस का है. वहाँ पे वो नॉलेज आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनाएगा, आपकी फिटनेस नहीं करेगा, जो आप एक्चुअल इस चीज़ को फॉलो करके ले रहे हो, उनके व्लॉग्स देख के, बॉडी बिल्डर ने बाइक चलाई, बॉडी बिल्डर ने ये किया, बॉडी बिल्डर ने वो किया, बॉडी बिल्डर वहाँ गए, तो आप देखे जा रहे हो. तो पॉइंट इज, दोज आर यूजलेस फॉर यू, दैट इज अननेसेसरी टाइम वेस्टेज, अननेसेसरी नॉलेज. इसी तरह से आप कितने फिटनेस एक्सपर्ट्स को, कितने लोगों को आप यूट्यूब पे, कई लोगों को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करते हैं, उनकी फोटोज़ देखते हैं, जो कई लोग एनहांस करके बॉडी मसल्स को बढ़ा करके, कटिंग को, एब्स बना के, या इवन फोटोशूट्स में पेंट करके अपने एब्स बना के आपको दिखाते हैं कि ये देखो, ये फॉलो करो, ये करो, और आप उनको फॉलो करते हैं, उनको सोचते हैं, और उससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि इनके इतने अच्छे, मेरे क्यों नहीं. एंड यू बिकम मोर एंड मोर इनटू कि भाई इनको जल्दी पाना है, मेरे को और ज़्यादा उल्टे सीधे काम करने हैं, ड्रग्स लेने हैं, स्टीरॉयड्स लेने हैं, ये करने हैं. अर्ली स्टेजेस में उल्टे सीधे काम करने से ना तो बॉडी बनती है, उल्टा साइड इफेक्ट्स, ये बहुत बेकार चीज़ है. उसके अलावा एक चीज़ है फेक नॉलेज, जो बॉडी बिल्डर्स देते हैं, जो ब्रो साइंस आपको देते हैं कि 30 दिन में यहाँ से चर्बी ख़त्म हो जाएगी, 5 दिन में वज़न घटाओ 20 किलो, और ऐसे वैसे जो ब्रो साइंस वो देते हैं, वो भी आप फॉलो करते, बिकॉज उनको लगता है
उनको कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई मेडिकल नॉलेज नहीं कि फैट फैट लॉस के लिए अंदर लिवर किडनी उन पे क्या मैकेनिज्म होगा, क्या आइडियल ये होना चाहिए, आपकी बीमारी, आपका शरीर, आपको शुगर, आपकी जेनेटिक्स, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, थायराइड फंक्शन, किसी की कोई जानकारी नहीं। सिर्फ आपको एक नुस्खा दे देंगे और बोलेंगे ये मेरी एक्सपर्ट एडवाइस है, चार दिन में ये करो, वो करो, वो करो। एंड यू गो एंड वॉच इतने सारे मेडिकल टॉपिक्स पे वीडियो देखने लग जाते हो, इतने सारे मास्टरबेशन के वीडियो, इतने सारे बॉडी बिल्डर्स के वीडियो देखने लग जाते हो कि वो सारा नॉलेज खिचड़ी बन के आपके दिमाग में यूजलेस नॉलेज इकट्ठा हो रहा है, यूजलेस टाइम बर्बाद हो रहा है, ताकि ना कि आप एक्चुअल एक्सरसाइज का साइंस समझो, एक्सरसाइज कोई एक्सरसाइज का साइंस देखो। अब तो कई लोग ऐसे उल्टी सीधी बुक्स लिखने लग गए हैं, राइट, मैंने वजन कैसे कम किया, वो बुक में पढ़ लो आप, वो बुक पढ़ के क्या आप वजन कम करना सीख जाओगे, एक इंसान ने कैसे किया आप सारे लोग वैसे ही करेंगे, पॉसिबल नहीं है। हर इंसान के लिए अलग होता है, हर एक का शरीर अलग है, हर एक शरीर का टाइप अलग है, हर एक के डाइट अलग होती है, सो इट्स नॉट लाइक दिस जो करते हैं। कंपनीज के प्रमोशंस आप देखने लग जाते हो, आप देखते हो पेड प्रमोशंस, किसी ने किसी बॉडी बिल्डर को पैसे दे दिए कि आप मेरा प्रोटीन को सही बोलो, मेरे प्रोडक्ट को सही बोलो, ये कोलोस्ट्रम बेच दो, ये क्रिएटिन बेच दो, ये वो कर दो, और आप उन्होंने बोल दिया कि सब प्रोटीन तो छोड़ो, यही प्रोटीन, सब क्रिएटिन से छोड़ो, ये खाओगे तो इफेक्ट 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, और आप वो चीज़ें वो 10 मिनट का, 20 मिनट का, 6 मिनट का वीडियो देख रहे हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं आपकी बॉडी बिल्डिंग में, आपका टाइम वेस्ट, आपका नॉलेज वेक, आपको कन्फ्यूज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोमिसेस करके फेक प्रमोशंस कंपनी करती है। कोई भी सप्लीमेंट स्टोर में चले जाओ, हर एक सप्लीमेंट पे लिखा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मसल में मैक्सिमम गेन, मैक्सिमम फैट लॉस, बॉडी रिप्ड, रिप्ड एक्स्ट्रा गेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या उन सबसे एक्स्ट्रा गेन हो जाएगा? सिर्फ उससे नहीं होगा। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रमोशंस, उसमें उन सब के बारे में उल्टे सीधे ज्ञान लेना, ये सब मेंटल मास्टरबेशन है जो बॉडी बिल्डिंग में आप कर रहे हो। उसको मेंटल मास्टरबेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे सिर्फ अच्छा फील होता है कि हाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, हो कुछ नहीं रहा। इनको फॉलो करने से आप बॉडी बिल्डर नहीं बन रहे हैं। आप 2 महीने बाद, 2 साल बाद आप अपने आप को शरीर में देखोगे, आप वैसे के वैसे सेम, क्योंकि जो समय आप एजुकेशन लेने में बिता सकते थे, किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में प्रॉपर एजुकेशन ले लो। जी हाँ ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए सर्टिफिकेशन ले लो, हर सर्टिफिकेशन अच्छा नहीं होता, लेकिन एक सर्टिफिकेशन कोर्स में, कोई भी कोर्स हो, कम से कम वो बेसिक्स तो समझाएंगे, कुछ तो समझ में आएगा इंस्टेड ऑफ अ यूट्यूब वीडियो, राइट। एक स्पोर्ट्स साइंस का सर्टिफिकेशन ये नहीं होगा कि आप पूरी की पूरी स्पोर्ट्स साइंस जो कि मेडिकल नॉलेज है वो सारी जान लोगे, लेकिन एटलीस्ट बेसिक क्लियर होगा, कुछ तो समझ आएगा आपको, इंस्टेड ऑफ बकवास फेक नॉलेज ब्रो साइंस, राइट। वो एजुकेशन अगर आप लेते, यानी कि किसी की भी बुक लेके पढ़ने लग गए फलाना ढंकाना की उल्टी सीधी, देखो एक पर्टिकुलर टाइम आपको अगर चाहिए तो उस चीज़ में डेडिकेशन करो, उस चीज़ में कोई सर्टिफिकेशन करो, उस चीज़ में इंक्लूड होके वहाँ टाइम दो जहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, ना कि ये सब चीज़ों में ब्रो साइंस में, राइट। स्टार्टिंग फेज में आप नेक्स्ट लेवल के नॉलेज देखते हो, राइट। स्टार्टिंग में बॉडी कुछ नहीं है, लेकिन बॉडी बिल्डर स्टेज से पहले खुद को पेंट कैसे करते हैं, आइए देखें। बॉडी बिल्डर्स पोजिंग से पहले क्या क्या खाना डाइट खाते हैं, आइए देखिए, जिसका आपका उद्देश्य है ही नहीं बॉडी बिल्डिंग में एक्सपोजिंग करना या कंपटीशन करना, आपका आपको सिर्फ थोड़ा सा फिट होना है, लेकिन आप वो भी देखते हो, उस नॉलेज का क्या काम, कोई काम नहीं। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप इतना सारा मेंटल नॉलेज ले रहे हो, इतना इंटेलेक्चुअल नॉलेज ले रहे हो जिसका कोई काम नहीं, बेसिक्स में काम है, वो बेसिक्स आपको कंफ्यूज किया जाता है, और इसीलिए आपकी बॉडी नहीं बनती। आपका प्रॉब्लम है, आप सही तरीके से गाइडेंस नहीं ले रहे, सही जगह से गाइडेंस नहीं ले रहे। आप अपने हेल्थ के बारे में जानने के लिए डॉक्टर के पास नहीं, यूट्यूब गूगल डॉक्टर के पास जाते हैं, गूगल बाबा के पास जाते हैं, गूगल पे या यूट्यूब पे किसी के भी बनाए गए नुस्खे ट्राई करते हो, ये प्रॉब्लम है। आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट प्लान लेने की जगह, किसी डाइटिशनिस्ट से डाइट प्लान लेने की जगह, आप डाइट प्लान लेते हो किसी वेबसाइट से, आप डाइट प्लान लेते हो किसी दूसरे से, और फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता, यहां प्रॉब्लम है।
स्टीरॉयड्स के बारे में अपने जिम इंस्ट्रक्टर से, जिम ट्रेनर से सुन के स्टीरॉयड्स यूज़ करते हो, साइड इफेक्ट होके इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लेके हर एक टाइप की प्रॉब्लम, सैड डिप्रेशन से लेके ये चीज करके फिर खुद पछताते हो, यहाँ प्रॉब्लम है। सो अगर करना चाहते हो बॉडी बिल्डिंग फिटनेस, करो, लेकिन तरीके से, फिटनेस पे अच्छी जगह से, अच्छे लोगों से सर्टिफिकेशन लो, बेसिक समझो, फिर भी उसको रिसर्च करके पबमेड पे वेरीफाई करो हर स्टेप में, राइट। ये देखो कि आपको नॉलेज बेसिक समझा क्या, वरना किसी ने कह दिया खड़े होके पानी पीने से घुटने खराब हो जाएंगे या गर्म पानी पीने से पतले हो जाओगे और आप वो कर रहे हो और देखोगे तो कुछ नहीं हो रहा। सो दैट्स द आइडिया हियर, राइट। मेंटल मैस्टर्बेशन ये होता है, ये बताना जरूरी है। सो ये मैस्टर्बेशन वो नहीं है, अगर वो सोच के आए तो आपका अप्रैल फूल है। बाकी चैनल फॉलो करते रहिए और अच्छी नॉलेज के लिए, सही नॉलेज के लिए, जीरो प्रमोशन के लिए इसको शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।